11 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में पुष्कर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 12 घंटों में ही वारदात का खुलासा कर दिया। खुलासा करने के साथ ही 24 वर्षीय आरोपी सुरेंद्र उर्फ संधू को देर रात ही गिरफ्तार कर लिया था। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने मामले का खुलासा किया। ग्रास रूट पर कार्य कर रही टीम की मेहनत हुई सफल। सीआई राजेश मीणा की टीम की मेहनत को मिली सफलता। पुलिस ने पूरे मामले को लिया काफी गंभीर। जिला पुलिस अधीक्षक ले रहे थे सीआई राजेश मीणा से पलपल की जानकारी। आरोपी होकरा ग्राम निवासी आया पुलिस की गिरफ्त में। आम सूचना अधिकारी कांस्टेबल सुनील पारीख की रही गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा का इस पूरे घटनाक्रम पर। आज दिनांक 22 जून 2021 को सुबह करीब 9:15 बजे हमारे पुष्कर थाने पर इतला प्राप्त हुई। किसी व्यक्ति ने फोन करके इतला दी कि बैजनाथ की पहाड़ियों पर एक 11 साल की बच्ची के साथ गलत काम करके और उसकी हत्या कर दी गई है, जिसकी डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है। गांव के लोग इकट्ठे हैं। इस इतला पर थानाधिकारी पुष्कर राजेश मीणा, मैं अपने पुलिस दल के तुरंत मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया और घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला हेडक्वार्टर से MOB, FSL और डॉग स्क्वाड को तुरंत बुलाया और रात को ही करीब 1:15 बजे मुझे भी इतला दी। इन तीनों पार्टियों ने तुरंत मौके के लिए प्रस्थान करके और घटनास्थल का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। डॉग स्क्वाड ने भी किया, FSL की टीम ने भी किया और MOB की टीम ने भी किया। जो जरूरी साक्ष्य घटनास्थल पर मिले उनका संकलन किया। उसके बाद मौके की कार्रवाई के बाद डेड बॉडी को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया पुष्कर में और सुबह मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम कराया गया। मौके पर ही थानाधिकारी को पीड़िता के परिजनों ने एक रिपोर्ट दी जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इस 11 साल की बच्ची जो पहाड़ियों पर बकरियां चराने गई थी उसने दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी है। इस इतला पर मुकदमा दर्ज किया गया 128/2021, 376/376, 302/201 IPC तथा 3/4 और 5M/6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसका अनुसंधान वृत्ताधिकारी वृत्त ग्रामीण को सुपुर्द किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीमों का गठन किया गया। एडिशनल SP अजमेर ग्रामीण के देखरेख में और CO ग्रामीण के सुपरविजन में तथा थानाधिकारी पुष्कर राजेश मीणा के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। रात्रि में ही इनको अलग अलग टास्क दिए गए और उन टास्क के आधार पर हमारी पूरी टीम ने सबने मिलकर के मेहनत की और संदिग्ध आदमी को हमने बूढ़ा पुष्कर से रात को ही डिटेन कर लिया, जिसको पूछताछ के लिए थाने पर लेकर के आए। पूछताछ के लिए पूरी टीम ने मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की, उसकी घटनास्थल पर उपस्थिति को तस्दीक किया। उसके बाद पूछताछ में उसने, जब हमारी टीम ने लगातार अपने साइंटिफिक तरीके से उससे पूछताछ की, उसकी लोकेशन वगैरह ली, तो वो टूट गया और उसने घटना करना कबूल किया है। उसके बाद पूछताछ उसको गिरफ्तार किया गया है। हमारी स्पेशल टीम ने इस घटना को 24 घंटे से भी कम समय में, मैक्सिमम 6 से 7 घंटे के अंदर घटनास्थल की कार्रवाई करके और आरोपी को, संदिग्ध को डिटेन किया और उससे पूछताछ की। उसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ और जिन्होंने मेहनत की है पूरी टीम ने, विशेष रूप से जो आसूचना संकलन में जिन तत्पर रहे हमारे पुलिसकर्मी, पूरी टीम के जो मेंबर रहे राजेश कुमार SHO पुष्कर, अमरचंद ASI, गणेश राम हेड कांस्टेबल, पुखराज हेड कांस्टेबल, सुनील पारी कांस्टेबल, अनिल कुमार कांस्टेबल, अमित कुमार कांस्टेबल, हेमाराम कांस्टेबल, मुकेश कांस्टेबल, हेमाराम कांस्टेबल 2101, धर्मपाल कांस्टेबल तथा प्रेमाराम कांस्टेबल ड्राइवर, सबने मिलकर टीम वर्क से काम किया और इसमें आसूचना संकलन, जो महत्वपूर्ण सूचनाएं संकलित की इस घटना के वारदात का पर्दाफाश किया, वो संकलन में विशेष जिनका योगदान है, सुनील पारी कांस्टेबल 1192, अनिल कुमार 1432, अमित कुमार 755 और हेमाराम 1343 तथा मुकेश कुमार 2334। 5 हमारे पुलिसकर्मियों ने
बहुत ही त्वरित कार्रवाई करके सूचना संकलित की और इस आरोपी को डिटेन करने में पूरा योगदान किया। हमारी पूरी टीम जिन्होंने रात भर मेहनत की है उसको नगद पुरस्कार मैं प्रशंसा पत्र के दिया जाएगा और उच्चाधिकारियों से आईजीपी साहब से डीजीपी साहब से भी इनको इनाम दिलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि घटना इतनी गंभीर थी जिसके लिए माननीय डीजीपी साहब ने भी सुबह आज सुबह इस घटना के बारे में पूरी जानकारी ली और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। मर्डर क्यों किया? प्रारंभिक पूछताछ में ये जो व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम है सुंदर उर्फ सुरेंद्र उर्फ संतु पुत्र नंगा जाति रावत उम्र 26 साल निवासी होकरा पुलिस थाना पुष्कर, ये शराब पीने का आदि है, मजदूरी करता है। प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी मिली है, कल शाम को भी घटना से पहले ये शराब पिए हुए था ऐसा जानकारी में आया है, पूछताछ में आया है। और शराब के नशे में इसने इस 11 साल की बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया, उसके बाद ऐसा पूछताछ में जानकारी मिली कि जब बच्ची ने विरोध किया या इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को देना बताया तब उसने इस बच्ची के सिर पे वही जो पत्थर पड़ा था उस पत्थर को सर पे डालकर इसकी हत्या कर दी। तो इस संबंध में ये बहुत ही एक सामाजिक बुराई जो दिनों दिन पनपती जा रही है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें कानून अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो सामाजिक बुराई है उसको दूर करने में हम सबको मिलकर इस बारे में सोचना होगा और एक जन जागरण अभियान भी चलाना होगा कि किस तरह हम हमारी इन छोटी छोटी बच्चियों की महिलाओं की रक्षा कर सकते हैं, इनकी आबरू की रक्षा कर सकते हैं। सर आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिले आरोपी को, इस दिशा में आपको जैसा पता है कि हमारे जिले के लगभग 5 थानों में ऐसे जो मामले दर्ज हुए उसमें त्वरित अनुसंधान करके किसी थाने ने 24 घंटे में चालान पेश किया, किसी ने 36 घंटे में पेश किया, किसी ने 48 घंटे में पेश किया। और आपके इसी पुष्कर थाने ने पिछले करीब 1-1.5 महीने पहले एक ऐसी घटना हुई उसमें 24 घंटे में चालान पेश किया, उसी तर्ज पर इसका अनुसंधान किया जा रहा है। पूरी टीम आप देख रहे हो यहाँ लगी हुई है और इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी, यद्यपि अभी कोर्ट बंद है उसके बावजूद भी हमारी अनुसंधान पूर्ण करके और इसका चालान शीघ्र पेश करेंगे। इसके साथ ही चालान पेश करने के साथ ही इस मुकदमे के ट्रायल पर हमारी पूरी निगाह रहेगी, इसको केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाएगा और स्वयं SHO इसके ट्रायल का सुपरविजन करेंगे, जल्दी गवाही करके और हम कोशिश करेंगे इस मुलजिम को न्यायालय से भी जल्द से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। वारदात कब हुई थी? वारदात का जो संभावित समय है 21 तारीख शाम को 6-7 बजे से लेकर रात्रि को 10-11 बजे के बीच का संभावित समय है, इसी बीच में इसने वारदात की। आइए लिए चलते हैं आपको पूरे दिन से जुड़े इस घटनाक्रम के अलग अलग पहलू, किस तरीके से क्या कुछ आज पूरे दिन इस घटनाक्रम को लेकर के शहर में हलचल रही, किस तरीके से विधायक और जन आक्रोश इस पूरे घटनाक्रम पर नजर आया, देखते हैं एक रिपोर्ट। हमारी तरफ से कोई कमी है तो बताओ, नहीं बात तो मानी खबर भी दबाव पड़ता बैठा रहेगा।
पुष्कर थाने क्षेत्र की रहने वाली है, उसके उसका मर्डर कर दिया था वेदनाजी उसके पहाड़ियों में यहाँ पे, और उसके संभवतः हमें जो प्रथम दृष्टया लग रहा है उसके साथ कुछ गलत काम भी हुआ है। इस संबंध में हमने प्रकरण दर्ज कर लिया और अनुसंधान कर रहे हैं और जल्दी इसका खुलासा करने का प्रयास करेंगे। माननीय विधायक महोदय ने हमें 24 घंटे का समय दिया है, लेकिन हम लोग और श्रीमान टाइगर साहब पे हमें ये निर्देश हैं, ये हमें डायरेक्शन मिले हैं और श्रीमान एसपी साहब लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो टाइगर साहब ये कह रहे हैं कि लगभग इसको 12 घंटे में इसका खुलासा करें, और हम श्रीमान टाइगर साहब की जो बातों पर और उनके हमारे ऊपर जो उनका विश्वास है उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और जल्दी ही इसका खुलासा करने का प्रयास करेंगे। ये हमारे लिए चैलेंज है और हमें कुछ इनपुट मिले हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं और जल्दी आपके समक्ष इसका खुलासा करके आपको अवगत करवा देंगे। कल मैं पुष्कर विधानसभा के होकरा गांव के अंदर एक दुखद और जघन्य घटना हुई। होकरा गांव की 11 वर्षीय बालिका जो प्रतिदिन बकरियां चराने जाती थी, कल वो शाम को नहीं लौटी तो घर वालों को चिंता हुई। उसके बाद गांव के युवा पहाड़ियों के अंदर उसको ढूंढा तो आदरी को उसकी लाश मिली नग्न अवस्था के अंदर, और फिर उसका देखने से प्रतीत होता है कि उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। अभी उसका मेडिकल का पोस्टमार्टम हो रहा है और हमारी ये प्रशासन से मांग है, एसपी साहब से भी मेरी बात हुई और उनको भी मैंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर अगर इस जघन्य अपराध का पर्दाफाश नहीं किया तो हमें मजबूरन होकर उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। और जिस तरह से राजस्थान के अंदर 3 साल में अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, आज हर आदमी बेकौफ होकर अपराध करने पर आतुर है, जब चाहे जब कोई भी किसी को गोली मार देता है, और आए दिन हत्याएं बलात्कार की घटनाएं आम हो गई है। हमारी माताएं बहनें महिला इस राज्य के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मांग है, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है, तो इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाए और अपराधियों को कठोर से कठोर सजा। बहुत बुहेर है, पत्थर पटक के एक बार नहीं दोबारा पटक के हत्या कर दी है उसकी, और उसके लिए प्रशासन को इतना ही कहना है मेरा कि चाहे 24 घंटे की ये बोल रहे हैं, 24 घंटा नहीं 72 घंटे देंगे इनको, तब तक बॉडी नहीं लेंगे, तब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारे को और मुलजिम पकड़ में नहीं आएगा। बस।